क्लमाइडो स्पोर फॉर्मेशन, हेडिंग डालो क्लमाइडो स्पोर फॉर्मेशन। भाई नीचे मत ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। देखो क्लमाइडो कंडीशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन, ठीक है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ क्लमाइडोस्पोर, टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ क्लमाइडोस्पोर, ऑफ क्लमाइडोस्पोर फुल स्टॉप। एट द टाइम ऑफ क्लमाइडोस्पोर फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ क्लमाइडोस्पोर फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ क्लमाइडोस्पोर्स फॉर्मेशन द मेच्योर माइसीलियम। कल हमने तुम लोगों को एक चीज बताई थी, तो तुम लोग नहीं आए थे कल, बहुत अच्छा आया था। माइसीलियम, माइसीलियम हमने कल बच्चों को बताई थी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे ऐसे ऐसे करके इसे बने हुए, ये हमारे इसमें बड़ा सा वैक्यूल्स होता है, समझ में आ रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारा वैक्यूल्स है, इसको हम लोग नली, नली का कार्य, जैसे मतलब जो नली का कार्य, इसको ऊपर किस लिए, नली लाइक का स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग माइसीलियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। समझ में आई बात, आता है। फिर इसके बाद लिखिए माइसिन बिकम्स सेप्टेड एंड द प्रोटोप्लास्ट ऑफ, बिकम सेप्टेड द प्रोटोप्लास्ट ऑफ, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ ईच सेल फॉर्म्स आर राउंडेड, ईच सेल कंटिन्यू, ईच सेल फॉर्म्स आर राउंडेड एंड थिक वॉल्ड। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि थिक माने क्या होती है, पतली, और थिक माने क्या होती है हमारी, मोटी, मोटी लेयर। थिक माने मोटी और थिन माने क्या होती है, पतली, ठीक है। समझ में आई बात, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर नो क्लमाइडोस्पोर्स। जो आप क्लमाइडोस्पोर बनाते हो, क्लमाइडो मोनास बनाते हो, उसमें जो जैसे आपने ये आपने जैसे क्लमाइडो क्या बनाया, क्लमाइडोस्पोर मान लो आपने बनाया, सपोज दैट एक रफली हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं, उसमें आपके स्पोर्स ऐसे ऐसे होते हैं, आपको मालूम है स्पोर्स, और स्पोर्स से हमारे क्या बनते हैं, स्पोरेंजियम बनते हैं, स्पोर्स हमारे स्पोरेंजियम बनते हैं, जैसे कि हमारे सेल में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और उसी तरह हमारे स्पोर्स में क्या बनते हैं, स्पोरेंजियम बनते हैं। समझ में आई बात, हाँ। फिर लिखिए द क्लमाइडो स्पोर्स आर बॉडीज एंड दे कैन पास, द क्लमाइडो मोनास आर बॉडीज एंड दे कैन पास अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस, दे जर्मिनेट न्यू माइसीलियम, मतलब जर्मिनेट होकर ये क्या कर रहे हैं, न्यू माइसीलियम यानी न्यू माइसी का बेटा क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, न्यू माइसीलियम और न्यू उसका क्या कर रहे हैं, जर्मिनेट होकर न्यू माइसीलियम, न्यू हाइफी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ में आई बात, अब हेडिंग डाल दीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडीशन के बाद कंडीशंस, दे जर्मिनेट, जर्मिनेट होकर न्यू माइसीलियम यानी न्यू हाइफी का क्या कर रहे हैं बेटा, फॉर्मेशन कर रहे हैं, दे जर्मिनेट न्यू माइसीलियम। समझ में आया, फुल स्टॉप, MYCELLIUM माइसीलियम फुल स्टॉप।
समझ में आया? अब लिखिए कटिंग आ रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। जनन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, मेनली एक होता है असेक्सुअल और दूसरा होता है असेक्सुअल। को हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं, और लैंगिक जनन हम किसको कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं। समझ में आया बात? तो डालिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, लिखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल।